أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Today we will discuss about crown tissues First of all I will define the definition Basically crown tissue is a plant tissue other than those of dermal tissue and vascular tissue और definition देख लेते हैं Any of the non-dermal or non-vascular tissue of vascular plant अदर नेम्स को ग्राउंड टिश्यू भी दिया गया है उसके बाद पैरेन्काइमा की बात कर लेते हैं वर्सटाइल ग्राउंड टिश्यूज होते हैं जो जेंडी कंस्टिट्यूट करते हैं ठीक है द फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट इट फॉर्म्स अमंग अदर थिंग्स द कॉर्टेक्स आउटर रीजन होते हैं एंड द पिथ सेंट्रल रीजन ऑफ सेल्स द कॉर्टेक्स ऑफ फ्रूट्स द मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स पल्प ऑफ फ्रूट एंड एंडोडर्म ऑफ सीड इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी बेसिकली अब देख लेते हैं एक से अराइज होती है अब ये अराइज होती है ग्राउंड स्टेम से ठीक है ये फील करती है सॉफ्ट बॉडी पार्ट को जैसे कॉर्टेक्स हो गया पिथ हो गया है पेरिसाइकल हो गया और जो भी ये सारे लेयर्स हैं ये थ्री फंडामेंटल टाइप ऑफ सेल हैं जो ग्राउंड टिश्यू को बनाते हैं पैरेन्काइमा स्केरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो कंप्राइज करता है बल्क ऑफ मिड प्राइमरी प्लांट बॉडी पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा और स्केरेन्काइमा ये कॉमन होते हैं ग्राउंड टिश्यूज में ठीक है वास्कुलर टिश्यूज जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे वाटर को हमारे हॉर्मोन्स को मिनरल्स को प्लांट्स के अंदर लेके आते हैं वास्कुलर टिश्यूज हैं उसमें इंक्लूड होते हैं एक्साइलम फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा एंड कैम्बियम सेल्स ठीक है अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं ग्राउंड टिश्यू की बेसिकली ग्राउंड टिश्यू कैरी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है ये बेस करती है वन सेल पे और लोकेशन के प्लांट्स कहाँ पे है और इसमें इंक्लूड होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स पैरेन्काइमा इसमें फोटोसिंथेसिस होती है लीव की स्टोरेज होती है रीड्स में कॉलेनकाइमा में क्या ये शॉर्ट शूट को सपोर्ट करती है एक्टिव ग्रोथ में स्केरेन्काइमा ये शूट को सपोर्ट करती है नेरियन में जहाँ पे ग्रोथ जो है वो चीज रुक जाती है वहाँ पे स्केरेन्काइमा उनको प्रमोट करवाती है उसके बाद आगे है ग्राउंड टिश्यू जो है वो इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग फूड फ्रॉम सनलाइट ग्राउंड टिश्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने फूड बनाना होता है सनलाइट के लिए ठीक है एंड आल्सो हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो लॉन्गर एंड स्टैंड अपराइट ठीक है उसके बाद इसका तीन में डिवाइड किया गया है पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा स्केरेन्काइमा पैरेन्काइमा में क्या होता है ये थिन वॉल्ड होती है और साथ ही ये यूजली रिमेन्ड अलाइव आफ्टर दे बिकम मैच्योर ठीक है जब मैच्योर भी हो जाती तब भी ये अलाइव रहती है जिंदा रहती है पैरेन्काइमा जो है फॉर्म करते हैं फिल्टर टिश्यूज़ को ये बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं ठीक है ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्टेक्स में पिथ में और मेडुलरी रेज इन प्राइमरी स्टेम ऑफ फ्रूट्स कॉलेनकाइमा की बात करें तो ये थिन प्राइमरी वॉल्स होती हैं इन विद सम एरियाज ऑफ कैंडी थिकनिंग कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स करती है हमें मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रक्चरल सपोर्ट पार्टिकुलरली इन रीजन ऑफ ग्रोथ उसके बाद स्केरेन्काइमा की बात करें तो स्केरेन्काइमा क्या होता है ये लिग्निफाइड स्कैंडी वॉल्स होती हैं और ये डेड सेल्स भी इसको कहते हैं ये ठीक है ये डाई कर देते हैं आफ्टर मैच्योरेशन स्केरेन्काइमा जो है प्रोवाइड करती है सपोर्ट करती है प्लांट्स को हमारे पास डिफरेंस है तीनों का ठीक है ग्राउंड टिश्यू में सबसे पहले हम पैरेन्काइमा करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा स्केरेन्काइमा पैरेन्काइमा स्फेरिकल होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं लिविंग होते हैं मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज होते हैं और पैरेन्काइमा एलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं जो अनइवनली थिकन्ड सेल्स होते हैं ठीक है और बेसिकली ये अलाइव करते हैं एट मैच्योरिटी उसके बाद है विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं ये डेड होते हैं एट फंक्शनल मैच्योरिटी उसके बाद फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में फोटोसिंथेसिस आता है और रेस्पिरेशन स्टोरेज और रीजनरेशन पैरेन्काइमा का फंक्शन है उसके बाद फ्लेक्सिबल स्पोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करना हमारे पास कॉलेनकाइमा का फंक्शन है स्ट्रक्चरल जो स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे स्केरेन्काइमा करते हैं लोकेशन का एक पॉइंट है कि पैरेन्काइमा जो है प्लांट्स के थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं कॉलेनकाइमा जो है ये एपिडर्मिस के बीनीथ प्रेजेंट होता है यंग सेल्स में और लीफ वेन में उसके बाद फाइबर जो है वुड भाग में प्रेजेंट होते हैं ये पैरेन्काइमा की लोकेशन की बात कर रहे थे थ्रू आउट द प्लांट प्रेजेंट होती हैं कॉलेनकाइमा जो है ये एपिडर्मिस के बीनीथ प्रेजेंट होती हैं यंग सेल स्टेम में और
लीवेंस में और जस्ट स्किन काइमा है, ये फाइबर्स वुड में प्रेजेंट होती है, बाग में, लीव्स में, स्टेम्स में और स्किन काइमा में और फ्रूट्स में और सीड में। तो यहाँ तक आप लोग का ग्राउंड टिश्यू का पार्ट वन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी ग्राउंड टिश्यू की, ठीक है, और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पिथ कॉर्टेक्स वगैरह। वीडियो कैंसिल हो जाएगी सुबह, तो इससे पहले कि कैंसिल हो हमें अपलोड कर देनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट, आई विल आंसर यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे। आमीन।